Hello students, today I will discuss about how we find sine 45, cos 45, tan 45 by geometry. अब हमें sine 45 की हमें value तो पता है कि sine 45 क्या होता है 1 by root 2. cos 45 भी हमें पता है क्या value होती है 1 by root 2. tan 45 होता है 1. अब इसको अगर question आ जाए कि find the trigonometric ratio of 45 by geometrically. तो कैसे find out करें? देखो, start करते हैं solution से. एक right angle लिया हमने, right angle ABC. एक angle तो 90 है. अब let एक angle हमने कोई भी एक वो हमने 45 degree ले लिया. Angle A हमने ले लिया 45 degree. अब angle A 45 है. तो by angle sum property से तो हमारा angle CB कितना आ जाएगा 45. A 45 है तो angle CB हमारे कितना आ जाएगा 45. angle sum property से हम निकाल सकते हैं. इसके बाद अब किसी भी triangle में अगर दो angle equal है, क्योंकि A angle C के equal आ गया, किसी भी triangle में अगर हमारे दो angle equal है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी. तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है? बीसी. एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है? एसी. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, कि जो अगर एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट की साइड भी क्या होगी हमारे? इक्वल. अब देखो, ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो मैंने दोनों साइड को x और x ले लिया कि BC इक्वल टू AC इक्वल टू x. अब सबसे पहले पाइथागोरस से AC फाइंड आउट कर लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम अब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब AB हमारा x है तो x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 2x स्क्वायर. तो AC हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 इनटू x. ये हमारा आ गया अंडर रूट 2x. अब इसके बाद अब मान लो मुझे sin 45 निकालना है. sin 45 sin एक्चुअली होता क्या है? देखो बेटा, तो आपको एक PBP HHB ये तो आपको कांसेप्ट याद रखना ही पड़ेगा. पहला sin के लिए, दूसरा cos के लिए, तीसरा tan के लिए. तो sin 45 sin होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब एंगल ये भी 45 ले सकते हैं, यहां से कोई भी एक ले लो 45. मैंने यहां से ले लिया. अगर मैं एंगल ये ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BC. तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? रूट टू x. x से x कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 1 बाय रूट टू. ऐसे ही cos 45, cos 45 कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा क्या है? x. हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट टू एक्स. एक्स एक्स कैंसिल, 1 बाय रूट टू. अच्छा, तीसरा टेन 45, टेन 45 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर केस में कितना है? एक्स. बेस कितना है? एक्स. ये कैंसिल होके कितना आ गया? 1. तो ये हमारा हो गया साइन 45, कोस 45 एंड टेन 45 ज्योमेट्री. एक बार मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45, कि जितने भी 45 एंगल से बने, चाहे साइन बने, कोस, टैन, कोश एक्स है तो कोश एक्स है और कोट हमारे साइन कोस और टैन के उल्टे हो जाएंगे ज्योमेट्रिकली. तो सबसे पहले आपने एक एंगल किसी को 45 देना. एंगल सब प्रॉपर्टीज से तीसरा एंगल अपने आप 45 आ जाएगा, क्योंकि एक एंगल 90 पर दे रखा है. तो दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. साइड इक्वल है तो कौन कौन से साइड इक्वल है?
ये दोनों एक्स निकाल लिए पाइथागोरस से, हमने हाइपोटेन्यूस निकाल लिया। हाइपोटेन्यूस निकालने के बाद हमने सिर्फ साइन कोस टेन, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ वैल्यू पुट करना। तो हमारी साइन 45, कोस 45 एंड टेन 45 फाइंड आउट हो जाए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।